फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे सर्कल चैप्टर का, क्लास टेंथ का जो चैप्टर है सर्कल्स, इसका लेक्चर नंबर 2। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका थ्योरम नंबर 10.2। तो देखिए, थ्योरम में क्या है, इसको प्रूफ करेंगे हम। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, एक कोई सर्कल है, उसके आउटसाइड कोई एक पॉइंट है। मैंने बताया था आउटसाइड चाहे कोई भी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकती है, 2 मैक्सिमम। तो एक ये है और एक टेंजेंट ये है। ठीक है, माना ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को ए पॉइंट पर, और ये इंटरसेक्ट कर रही है बी पॉइंट पर। तो हमको प्रूफ क्या करना है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, वो इक्वल होते हैं, यानी कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। हमको ये क्या करना है, प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये माना ये हमारा सेंटर है ओ। ठीक है, अब यहाँ से हम रेडियस ड्रॉ करते हैं इस टेंजेंट पे। तो मैंने आपको एक थ्योरम पर पढ़ाई थी इससे पहले कि अगर रेडियस हम सेंटर से कोई भी रेडियस टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और हम यहाँ पर ये बीच सेंटर ओ पॉइंट से पी को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसको प्रूफ कैसे करें, हमको प्रूफ करना है ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो हमको पहले दो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रेंसी करनी पड़ेगी। जैसे सबसे फर्स्ट है इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड बी पी ओ। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हैं ए पी ओ और एक है बी पी ओ, इन दो ट्रायंगल्स में हम कॉन्ग्रेंसी करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या मिलता है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, क्या है, कॉमन है। ठीक है, दोनों ट्रायंगलों में क्या है, कॉमन है। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, रीजन क्या लिखोगे, कॉमन। ठीक है, कॉमन है दोनों। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है ओ पी लाइन। अब सेकेंड है हमारे पास, ये क्या है, 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल बी है, क्योंकि क्या है, दोनों क्या है, 90 डिग्री है एंगल बी। यहाँ पर दोनों रीजन क्या लिखोगे, दोनों 90 डिग्री है। अब थर्ड पॉइंट जो मिलेगा हमको, तो थर्ड पॉइंट क्या है, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। मैंने बताया था आपको सर्कल्स के पे जितनी भी रेडियस होती है सारी इक्वल होती है। तो ओ ए भी क्या है, रेडियस है, और ओ बी भी क्या है, रेडियस है। तो ओ ए क्या होगा, ओ बी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, बोथ क्या है, रेडियस हो। तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी लग रहा है, एक तो राइट एंगल लग रही है, एक हाइपोटेनस यूज किया हमने, और एक साइड कौन सी की, रेडियस वाली। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से हो गया, बाय आर एच एस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए पी ओ, ठीक है, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी पी ओ। ठीक है, तो ये दो आप ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो आप, हम सी पी सी टी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू बी पी लिख सकते हैं। ठीक है, ए पी, सो ए पी इज इक्वल टू बी पी, क्यों, क्योंकि किससे, कौन सी प्रॉपर्टी से, सी पी सी टी, इसका मीनिंग होता है क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो हम उसके जो भी बचे हुए पार्ट हैं उनको क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल रख सकते हैं, इसीलिए ए पी इज इक्वल टू बी पी, और हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना था, ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या होगी, 10.2 प्रूफ होगी। अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है हमेशा। ठीक है,